ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। नंद गोप कुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम् श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं सहगजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साधवैतं सर्वदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री शाकांवितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तात कांचन गौरंगी राधे रामेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणामि हरि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देव्यं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठति। आराध्य भगवान् ब्रजेश तनया सतां वृन्दावनम् काशीतुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम् प्रमाणमूलम् प्रेम पुनर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मदैदम् तत्रादौ न पारः वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद और 16वां अध्याय। महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया। श्लोक नंबर 22। किम शत्र बंधु किम शत्र बंधु कलिना कलिना उपश्रेष्ठ राष्ट्राणि वाते वाते आवरोपितानि आवरोपितानि इतः इतः ततः ततः वा वा आशन आशन पान वासः पान वासः स्नान व्याय स्नान व्याय उन्मुखा उन्मुखा जीव जीव लोकम लोकम। किम किम क्या क्या शत्रुबंधु शत्रुबंधु अयोग्य प्रशासक अयोग्य प्रशासक कलीना कलीना कलयुग के प्रभाव से कलयुग के प्रभाव से उपसृष्टा उपसृष्टा मोहग्रस्त मोहग्रस्त राष्ट्री राष्ट्री राज्य के विषय राज्य के विषय व अथवा अथवा ते उनके द्वारा उनके द्वारा अवरोपितानि अवरोपितानि अव्यवस्थित किया गया अव्यवस्थित किया गया इतः इतः इधर
इधर ततः उधर व अथवा आसन आसन भोजन ग्रहण करते हुए भोजन ग्रहण करते हुए पान पान पिया पिया वास वास अवास अवास स्नान 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 व्यय व्यय संभोग संभोग उन्मुख उन्मुख प्रवृत्त प्रवृत्त जीवलोकम जीवलोकम मानव समाज मानव समाज। श्लोक और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा आप सभी से प्रार्थना है, अपने अपने फोन को साइलेंस कर दीजिए। विनेश प्रभुपाद प्रसाद बन रहे। जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जीवन सॉरी श्लोक अब तथा कथित अब तथा कथित प्रशासक प्रशासक अब तथा कथित अब तथा कथित प्रशासक प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने राज्य के समस्त विषयों को अस्त व्यस्त कर रखा है क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही हैं और वे समस्त कार्य कहीं भी और कैसे भी करने हेतु तैयार रहती हैं क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं। तो दो प्रश्न किए धर्म ने जो बैल के स्वरूप में है किससे प्रश्न किया गाय माता जो पृथ्वी के स्वरूप में है तो दो प्रश्न किया थे कि अब नाम निहार प्रशासक प्रजा पर राज्य करने वाले लोग प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो गए हैं ये जो कलयुग का प्रभाव है इससे क्या हो गए हैं मोह में पड़ गए हैं मोहग्रस्त हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने राज्य के समस्त विषयों को अव्यवस्थित कर रखा है अच्छे से सारा सिस्टम धर्म भरम कर दिया है जैसे चलने चाहिए वैसे नहीं चल रहा कलयुग में सारा राज्य का जो निजाम है सब अधर्म बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक कर रही हैं क्या आप इसकी वजह से शोक कर रही हैं ये पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न अब सामान्य जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं कर रही फिर उसके बाद जनता क्या कर रही है जो उनके खाने के पीने के सोने के और भोग करने के जो नियम है उसका पालन नहीं कर रही वे सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने में तैयार रहती है हा? सारे काम कहीं भी और कैसे भी बिल्कुल तैयार रहती क्या आप इसकी वजह से नाखुश हैं अप्रसन्न हैं इसकी वजह से आप नाखुश ये दूसरा सवाल तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्वशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं जीवन की कुछ आवश्यकताएं ऐसी हैं जो पशुओं के समान ही हैं हमारे जिंदगी में कुछ
ऐसी एक्टिविटीज हैं, ऐसे काम हैं जो पशु की तरह ही हैं, जानवरों की तरह है। उस काम में जानवर भी करते हैं और हम भी करते हैं, कोई फर्क नहीं। फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद कहते हैं खाना, सोना, अपनी हिफाजत करना और बच्चे पैदा करना, सेक्स करना। इसको हिंदी में कहते हैं आहार, निंद्रा, भय, डर और मैथुन, सेक्स, भोग करना। तो ये चार काम पशु भी करते हैं और चार काम इंसान। इसलिए कोई फर्क है? कोई फर्क। ये शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए हैं, लेकिन ये जिस्म की जरूरत है, ये नीड है जिस्म की, तो दोनों के लिए जरूरत है। लेकिन मनुष्य को इन इच्छाओं की पूर्ति पशुओं की तरह नहीं अपितु मानव की तरह करनी होती है। लेकिन इंसान को पशु की तरह ये इच्छाएं पूरी करनी नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो इच्छाएं हैं हमारी, खाने की, सोने की और अपना प्रोटेक्शन करने की, अपनी हिफाजत करने की और चौथी भोग करने की, बच्चे पैदा करने की, ये पशुओं की तरह नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को इसको पशुओं की तरह नहीं करनी चाहिए, बल्कि मानव की तरह ही करनी चाहिए। मनुष्य तो मनुष्य की तरह करे। प्रभुपाद फॉर एग्जाम्पल एक कुत्ता मनुष्य के समक्ष बिना झिझक के कुतिया के साथ संभोग कर सकता है। एक कुत्ता मनुष्य के सामने बगैर किसी हिचकिचाहट के, झिझक के, वो एक कुतिया के सामने क्या करने लगता है? भोग करने लगता है। उसको कोई डर नहीं, कोई नियम असूल नहीं उसके। लेकिन यदि मनुष्य ऐसा करे तो इसे सामान्य रूप से अनाचार कहा जाएगा। मनुष्य ऐसा कर सकता है? अगर मनुष्य ऐसा करेगा, प्रभुपाद कहते हैं अगर मनुष्य भी ऐसा करे तो इसे सामान्य रूप से आम तौर पर अनाचार, ये एक होता है आचार, एक होता है अनाचार। आचार हमारे लिए है, आचरण मिस हम अपने मनुष्य समाज से दूसरे लोगों को सिखाते हैं, हम अपनी एक्टिविटी से दूसरे लोगों को सिखाते हैं। लेकिन हम ही अगर हमारा जो आचार है वो अनाचार में बदल जाए तो ये ठीक नहीं है, और उसे अव्यक्त को अपराधी की तरह दंडित किया जाएगा। फिर एक वक्त आएगा कि जब कटेरे में खड़े होगा ना तो उसको दंड दिया जाएगा, क्योंकि पशु के लिए गवर्नमेंट के असूल नहीं होते, गवर्नमेंट के असूल मनुष्य के लिए होते हैं। उसके असूल गवर्नमेंट के किसके किस पर लागू होते हैं? मनुष्य पर लागू, वो पशुओं पे नहीं लागू होते। इसलिए मनुष्य के लिए कुछ तरीकेकार है, कुछ असूल है, कुछ नियम है जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी हैं। वो जो असूल है, नियम है, कुछ तरीके हैं जो कुछ जरूरियात हैं हमारी पूर्ति के लिए होते हैं। जब मानव समाज कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाता है तब ऐसे विधि विधानों की अनदेखी करता, तो नजरअंदाज कब करता है? जब वे समाज, मानव समाज कलयुग के प्रभाव में होता है। कलयुग राक्षस, जब मानव समाज कलयुग राक्षस के प्रभाव में होता है ना, तो वे मोहग्रस्त हो जाता है। क्या करना है, क्या नहीं करना, असूल नियम उसके लिए कुछ नहीं। इसका प्रभाव साफ है कि इसके ऊपर किसका असर है? कलयुग, कलयुग राक्षस का असर है इस पर, और उस पर तब कोई नियम, कोई असूल होते हुए भी उस पर उसको नजरअंदाज करेगा। मेरे लिए मैं नहीं चलूंगा, मैं क्यों चलूं? वो उन असूलों को देखकर भी क्या करेगा? नजरअंदाज, अनदेखा कर देगा, देखकर भी आंखें बंद कर देगा। मेरे लिए असूल नहीं है, मैं मालिक हूं।
ना? तो मनुष्य इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं में विधि विधानों का पालन किए बिना लिप्त रहता है। मनुष्य क्या करता है इस युग में, कलयुग में? प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बता रहे कि मनुष्य इस युग में जीवन की ऐसी आवश्यकताओं का जो तरीकेकार है, विधि विधान है, उसका पालन किए बिना ही उसमें लगा रहता है। खाने का कोई नियम नहीं, सोने का कोई नियम नहीं, अपनी प्रोटेक्शन करने का कोई नियम नहीं, बच्चे पैदा करने का कोई असूल नहीं है, तो कोई नियम पर पालन किए बिना ही उस पर, कोई असूलों का पालन किए बिना उस पर लगा रहता है। और सामाजिक तथा चरित्रिक नियमों में ऐसी गिरावट निश्चय ही शोचनीय है। शोचनीय मीन्स सोचने पर मजबूर करने वाली है। ऐसी जो समाज में चरित्र लोगों का जो इतना गिर चुका है, हाँ, और नियमों पर कोई चलते नहीं है, सब नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, गिर चुके हैं पशु की तरह, ये बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि ऐसे पाशविक आचरण के प्रभाव अत्यंत हानिकारक होता है। क्योंकि अगर कोई मनुष्य पशुओं की तरह आचरण करने लगेगा तो उसका जो ये आचरण है, उसका जो एटीट्यूड है, ये मानव समाज के लिए बड़ा हानिकारक होगा। ना ना खाने का नियम, ना सोने का नियम, जानवरों की तरह खुले पागल हाथी की तरह घूमता रहे, है? तो ये मानव समाज के लिए ठीक है? ठीक नहीं। प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल ठीक है। इस युग में पिता तथा अभिभावक अपने अपने रक्षकों के आचरण से प्रसन्न नहीं है। पिता भी अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घर वालों से सेटिस्फाई नहीं है। पिता भी अपने घर के आचरण से, एटीट्यूड से सेटिस्फाई नहीं है। और उसी प्रकार मनुष्य भी गवर्नमेंट के असूल नियम से सेटिस्फाई नहीं है। उन्हें जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कली के दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार होते हैं। किसको जानना चाहिए? मनुष्य को। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि कितने ही निर्दोष बालक इस कलयुग के दुष्प्रभाव में, कलयुग का ये जो प्रभाव है, जो हमारा प्रेजेंट में दौर चल रहा है, इसको कलयुग कहते हैं। और ये कलयुग का जो दुष्प्रभाव है, ये निर्दोष बालकों पर दुष्प्रभाव में आकर बुरी संगति के शिकार होते हैं। जो बालक है, जय श्री गौणिताय की, जय श्री प्रभुपाद की, तो कलयुग में बेचारे बालक गलत संगति की वजह से, दुष्प्रभाव की वजह से क्या हो जाते हैं? उसके शिकार हो जाते हैं। तो ये किसका प्रभाव है? देखो, संगति ऐसी हो जाती है कि ना चाहता हुआ, जाहिर सी बात है, आजकल एजुकेशन से ही उसकी जिंदगी डेवलप होती है। माँ बाप उनको स्कूल में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं ये सीख बताने के लिए कि भाई वो आगे जाके अच्छा उसका फ्यूचर बने, लेकिन वहां पर ही उसको सबसे पहले दुष संगति मिलती है। उसके खाने के अंदर ही होगा, देखिए, वहीं पर उसको गलत संगति मिलती है क्या नहीं? वहीं पर उसको नशा करने की आदत दी जाती है। सिगरेट तो वहां पर सिखाया जाता है, ये तो हमारे कल्चर है, ये तो हमारा कल्चर है सिगरेट पीना, हा? और पता नहीं कितने कितने स्कूलों, कॉलेजेस के अंदर ये सारी चीजें सिखाई जाती है, और टीचर, प्रोफेसर,
कोई इस पर ध्यान नहीं देते, और बल्कि इसके अंदर तो बड़ी बड़ी माफिया अब तो घुस चुकी है, जो बहुत गलत एजुकेशन के नाम पे लोगों को चरस बेचकर, अफीम बेचकर उनको गलत लप में लगा देती है। तो आज का जहां जो बच्चों की ग्रोथ होनी चाहिए, उसी इदारों में इतना गलत असर पड़ रहा, तो कहां से वो अच्छी संगत उनको मिल पाई। लेकिन हमारा पूरा पूरा फर्ज है कि अभी जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमें जैसे कवल का फूल तालाब में रहते हुए भी पानी उसको टच नहीं करता, ठीक उसी प्रकार जिस भी सिचुएशन में भगवान ने हमें रखा है उसमें रहते हुए भी अपने आप को नियम अनुसार असूल के मुताबिक चलाना है। हाँ कि नहीं? जब हम असूलों के हिसाब से चलेंगे तो कभी गिरेंगे नहीं। नहीं, मेरे जीवन का असूल है मैं नहीं खाऊंगा, ये मेरे जीवन का असूल है कि मैं फजूल की बकवास नहीं करूंगा किसी के साथ, मैं आया हूँ इधर पढ़ाई करने, तो पढ़ाई करूंगा, एजुकेशन हासिल करूंगा, बस दिस इट, और मुझे किसी से फजूल की क्या जरूरत है बात करने। हाँ, लेकिन बात स्टार्ट होती है तभी संगति में व्यक्ति फंसता है। हाँ, तो बहुत मोहताज होना चाहिए। आजकल ये कलयुग का प्रभाव बहुत तेज हो रहा है, एजुकेशन के नाम पर तो कोई भी व्यक्ति जो है ना बचा नहीं है, और बाद में माँ बाप सिर पकड़ के बैठे होते हैं कि वो इतना पैसा जाया क्या, लेकिन साहब फजूल गया है। और बाद में वो बच्चे माँ बाप को ही घर से निकाल दे, या माँ बाप को नहीं निकालेंगे तो खुद ही अपना फैसला करके कल्टी हो जाएंगे। माँ बाप गए बाहर, ये कलयुग का प्रभाव। वो दो माँ बाप, 15-10 जितने परिवार है बच्चे सबको पाल सकते हैं अंतिम समय तक, इतना भगवान ने उनको शक्ति दिया, लेकिन वो दो माँ बाप को बच्चे नहीं पाल सकते। बल्कि तो कथाओं में आचार्य लोग कहते हैं कि कभी कभी वो बालक माँ बाप को फोन करके बोलेगा कि हाँ भाई आप कैसे खाया पिया, तो वो भी बहुत बड़ा धार्मिक माना जाएगा कि वो बहुत बड़ा काम किया भाई, माँ बाप को फोन करके पूछा कैसे, बड़ा धार्मिक वाला काम किया, बहुत अच्छा काम, ये अच्छा काम नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमारे पर कुछ कर्ज है, कुछ कर्ज चढ़ा हुआ है, माँ पिता का कर्ज है, हाँ गाय माता का कर्ज है, धरती माता का कर्ज है, दाई माता का कर्ज है जो हमें हॉस्पिटल में पैदा करते, ऋषि मुनियों का कर्ज है, देवी देवताओं का कर्ज है, गुरु का कर्ज है कि नहीं, हमारे पितरों का कर्ज है, हमारे पूर्वजों का हम पर कर्ज है। इतना सारा कर्ज व्यक्ति नहीं उतार सकता, धन जमा करने से काम बनेगा नहीं, इस दुनिया में डेवलप होकर काम बनेगा नहीं, ये कर्ज केवल भक्ति के द्वारा उतारा जा सकता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब कोई विष्णु कृष्ण का भक्त बनता है तो उसके सारे कर्ज उतर जाते हैं। हरे हरे हैं, खाली भगवान की भक्ति करने से ये सारे कर्ज से छुटकारा पाया जा सकता है, वरना ये गलत संगति हमें जो है ना इस दुनिया में जो डेवलप के नाम पर, हम कंपटीशन के नाम पे जो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ये हम ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हमें संगति से बड़ा, संगत करेंगे तो भक्त बनेंगे, जैसा संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। हाँ, इसलिए संगत ही हमें मानव समाज में असूलों पर चला सकती है, अगर भक्तों की संगत हुई तो, वरना तो इस दुनिया में कोई ऐसी संगत नहीं है जो हमें खाने का तरीका सिखा सके। बड़े से बड़े बड़े जितने भी जेंटलमैन हो, खाने के टाइम पे अपनी औकात में आई जाते है कि नहीं, जितना भी बोलने में एक्सपर्ट हो, एटीट्यूड हो, बड़ी कार से उतरा हो, लेकिन जब खाने की बारी आएगी तो सब पता चल जाएगा, एटीट्यूड खत्म, खाने का डिसिप्लिन पता चल जाता, खाने का कोई असूल नहीं, सोने का कोई असूल नहीं, बच्चे पैदा करने में कोई नियम नहीं, और चौथा क्या था, प्रोटेक्शन, अपनी हिफाजत ना।
तो ये मानव समाज को बहुत जरूरी है इन सभी असूलों का पालन करना और अच्छे से समझना। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें श्रीमद् भागवतम से पता चलता है कि अबोध ब्रह्मांड ब्राह्मण पुत्र श्रीमद् भागवत से पता चलता है कि अबोध ब्राह्मण पुत्र अजामिल के एक बार सड़क पर चल रहा था तो उसने एक शूद्र दंपति को काम पीड़ित होकर एक दूसरे को आलिंगन करते देखा। इससे बालक आकर्षित हो गया और अंत में वे समस्त व्यासनों का शिकार बन गया। वे शूद्र ब्राह्मण के पद से गिरकर एक अधम दुष्ट बन गया और ये सब कुसंगति के कारण हुआ। उस समय अजामिल जैसा कि एक भुक्त भोगी था, किंतु इस कलयुग में बेचारे अबोध विद्यार्थी प्रतिदिन सिनेमा के शिकार होते हैं, जिससे पुरुष केवल काम वासना की ओर प्रेरित होता है। तो आप श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत से एक कथा शॉर्ट में कुछ एक दो लाइन में बता रहे हैं, ये आएगी आगे। अजामिल की कथा बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अजामिल जो था, एक श्रीमद् भागवत में इसका बड़ा प्रसिद्ध चरित्र है, उसमें बताया कि ये बड़ा ब्राह्मण था, अच्छा ब्राह्मण था, सुप्रसिद्ध ब्राह्मण। लेकिन ये अजामिल एक बार सड़क पर चल रहा था और चलते चलते उसने देखा कि एक शूद्र एक शूद्राणी के साथ क्या कर रहा है, गले मिल रहा है, उसकी संगति कर रहा है, तो उसके अंदर काम वासना जाग गई और काम वासना के कारण उसको फिर वो इच्छा पूरी करनी पड़ी। और इच्छा पूरी करने के लिए उसने क्या किया, संगत की और उसको पूरा किया। एक वेश्या से उसने अपना रिश्ता जोड़ा और फिर उससे खूब बच्चे पैदा, 80 साल तक उसने एक बच्चा पैदा किया, 80 साल की उम्र में भी कुसंगति। देखो संगति कैसी होती। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उस शूद्र शूद्राणी को भोग करते देखकर उसने भी इच्छा जाहिर कर ली और फिर उस पर काम किया और उसका शिकार बन गया। और फिर वे शूद्र ब्राह्मण अपनी जो पोजीशन थी, एक ब्राह्मण की पोजीशन, उससे नीचे गिर गया और नीचे गिरकर अधम दुष्ट बन गया, डाकू बन गया, चोर बन गया। अपनी वेश्या पत्नी और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए चोरी कर करके कर उनका पूरा करता था। ब्राह्मण एकदम डाकू चोर बन गया। और ये सब किसकी वजह से हुआ, गलत संगति की वजह से हुआ। उस समय अजामिल जैसा जो अच्छा व्यक्ति भी कलयुग के प्रभाव में आकर गलत गिर गया। तो प्रभुपाद आगे कहते हैं, जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी किसको कहते हैं, स्टूडेंट। अभी हम सब स्टूडेंट हैं, अभी हम सब सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हम सब स्टूडेंट ही। तो जितने विद्यार्थी हैं उनको रोजाना प्रभुपाद कहते हैं वो क्या करते हैं, सिनेमा जाते हैं और सिनेमा में जाके फिल्म वगैरह देख के उसके शिकार हो जाते हैं। और उसका असर क्या होता है, जिससे वे पुरुष केवल मानव काम वासना की ओर प्रेरित होते हैं, उनके अंदर फिर काम वासना तेज हो जाती। सिनेमा जाएंगे तो काम वासना बढ़ेगी ना, काम वासना बढ़ेगी। तो प्रभुपाद कहते हैं, नाम निहाद प्रशासक सब के सब क्षत्रिय कर्म में प्रशिक्षित नहीं है। जितने भी ये जो गवर्नमेंट चलाने वाले लीडरान हैं, ये कोई क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय चलाते हैं ना, ये सब क्षत्रिय नहीं है, ये कर्म से कोई क्षत्रिय नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं, जिस प्रकार ब्राह्मण ज्ञान तथा मार्गदर्शन हेतु होते हैं, ब्राह्मण का क्या क्या है,
शास्त्र पढ़ना और शास्त्र पढ़ाना। तो ब्राह्मण का ये कर्म है, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं उसी प्रकार क्षत्रिय प्रशासन के लिए होता है, और जो क्षत्रिय होता है वो क्या करता है, जो प्रशासन है, आसान अल्फाज में क्या कहते हैं, जो प्रजा पर शासन करने वाले हैं, हुकुमरानी करने वाले हैं, वे क्षत्रिय होने चाहिए। क्षत्रिय बंधु शब्द उन नाम निहाद प्रशासकों का, व्यक्तियों का सूचक है जो संस्कृति तथा परंपरा विषय उचित प्रशिक्षण पाए बिना प्रशासक के पद पर बिठा दिए गए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि शत्रु बंधु, क्षत्रिय बंधु, क्षत्रिय समझते हैं आप, जो हमारी गवर्नमेंट में बड़े बड़े फौजी जनरल्स होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है, फाइटर, धर्म के लिए फाइट करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं, देखे कि कोई दुखी तो नहीं है, कोई धर्म के हिसाब से चल भी रहा है कि नहीं, कि सब धर्म का पालन तोड़ रहे हैं। तो ये जो क्षत्रिय होते हैं उनको धर्म की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो क्षत्रिय बंधु शब्द का नाम निहाद जो मतलब है, ये गवर्नमेंट के बंदों ने, लोगों ने ऐसा सोचा हुआ है, ये किसकी तरफ वैसे इशारा करता है, ये गवर्नमेंट के प्रशासकों की तरफ इशारा करता है क्षत्रिय। लेकिन गवर्नमेंट में तो क्षत्रिय दिखते ही नहीं है कोई, जब लड़ने की और धर्म की बात आती है तो प्रजा को आगे कर देते हैं, या लड़ने वाले लोगों को आगे कर देते हैं, ये लीडर सारे खुद पीछे होते हैं, है क्या नहीं, तो ये क्षत्रिय नहीं है, ये सारे चोर बैठे हुए, क्योंकि इनको ना तो जनता की फिक्र है ना भगवान के असूलों की कोई फिक्र है, उनको बस अपने भोग वृत्तियों में पड़े हुए। तो प्रभुपाद कहते हैं जिस प्रकार ब्राह्मण ज्ञान का मार्गदर्शन हेतु होते हैं, इसी प्रकार क्षत्रियों का भी काम होता है कि जनता को मार्गदर्शन दें, उनकी हिफाजत करें। जो संस्कृति तथा परंपरा विषय उचित प्रशिक्षण पाए बिना प्रशासक के पद पर बिठाए दिए गए हैं, उनको कोई सही एजुकेशन नहीं है, कोई उनको पता नहीं है धर्म के असूल नियम, कोई परंपरा उनको पता नहीं है कि मानव समाज की शांति के लिए कैसा जीवन उनको दिया जाए, कोई उनको इसका कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको जनता पर बिठा दिया गया है, जनता पर बिठा दिया गया ना, कोई ट्रेनिंग दिए बिना ही उनको बिठा दिया गया। आजकल वे इन उच्च पदों पर उस जनता के मतों द्वारा पहुंच जाते हैं जिसका स्वयं जीवन की विधि विधान में अधोपतन हुआ होता है। तो ये जनता जिनका खुद जीवन में सब कुछ सत्यानाश हुआ है, कोई असूल कोई नियम नहीं, ऐसी जनता ही ऐसे लीडरों को चुनकर बिठा देती है। जो जनता के जीवन में खुद कोई अच्छी शांतिमय नहीं है, कोई सुकून नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, ऐसी नाम निहाद गैर तेजबी याफ्ता प्रजा ऐसे लीडरों को चुनकर अपने ऊपर बिठा देती है। प्रभुपाद कहते हैं आजकल वे इन उच्च पदों पर उस जनता के मतों द्वारा पहुंच जाते हैं जिसका स्वयं जीवन की विधि विधानों का अधोपतन हुआ होता है। जिन मनुष्य का जीवन स्तर इतना निमन हो, वे भला किस प्रकार उचित व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं। जो मनुष्य, प्रभुपाद कहते हैं, जिसका खुद का जीवन इतना गिरा हुआ है, मनुष्य समाज जिसका खुद का जीवन इतना नीचे गिरा हुआ है,
वो भला ऊंची पोजीशन पर अच्छे व्यक्ति को कैसे बिठा सकता है? अच्छा डिसीजन तो वही लेगा ना जिसकी खुद की जीवन में वो अच्छे डिसीजन से चल रहा हो, डिसिप्लिन से चल रहा हो। उसका खुद के जीवन का कोई डिसिप्लिन नहीं है, सत्यानाश हो चुका है और वो बड़े बड़े लीडरों को चुनते हैं वोट्स, वो कैसे फैसला कर सकते? ये तो सवाल है, प्रभुपाद ने वहां पर क्वेश्चन मार्क लिखा है। इसीलिए कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र हर वस्तु राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक उलट पुलट है। इसलिए ये कलयुग में, इस मौजूदा दौर में इसका जो प्रभाव है, सब जगह सभी वस्तु, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, चाहे पॉलिटिशियन डिपार्टमेंट ले लो, चाहे समाज सेवा वाले लोगों का डिपार्टमेंट ले लो, या धर्म के ठेकेदारों का भी डिपार्टमेंट ले लो, सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है। धर्म के ठेकेदारों ने भी धर्म का सत्यानाश किया हुआ है। समाज सेवा करने वालों ने भी सारा सत्यानाश किया हुआ है, बस धन कमाने के लिए अपनी अपनी ट्रस्टें खोल देते हैं, माल बनाने के। और पॉलिटिशियन लोगों ने तो वैसे ही किया हुआ है चार चार। इसलिए अकलमंद मनुष्य के लिए ये फिकर की बात है। आखिर में प्रभुपाद लाइन में कहते हैं कि जो अकलमंद इंसान है उसके लिए ये बात बहुत ही फिकर की है, सोचने के लिए, सोचने की। इसलिए हमें बहुत जरूरी है इन सारी बातों का ध्यान देना, सोचना, विचार करना कि जिस रास्ते में हम चल रहे हैं ये बिल्कुल रेड जोन है, ठीक रास्ता नहीं है। कदम कदम यत विपदम, कदम कदम में बहुत विपदा है। कदम कदम में बहुत विपदा होती है कि नहीं? बहुत। आजकल अगर आप किसी से कुछ अच्छी बात कर लो तो सामने से दो उल्टी बातें सुनने को मिली है कि नहीं? क्योंकि समाज भक्ति नहीं करता, भक्ति के असूलों पर नहीं चलता। कल ही हम रात को भगवद गीता के 12वें अध्याय के श्लोक नंबर कौन सा था, 17-18 उसमें प्रभुपाद जी और भगवान ने भी यही प्रपोर्ट में कहा कि जब धर्म के असूलों पर चलते हैं ना, तो फिर चाहे सुख हो, दुख हो, सर्दी हो, गर्मी हो, किसी भी सिचुएशन, वो शांत रहता है, भगवान का भजन करता रहता है। तो भक्ति के असूलों पर चलना बहुत जरूरी है। डेली श्रीमद् भागवतम सुनना, वो अजामिल ने देखो भागवत में उसकी कथा आती है, आगे आएगी। गलत संगति की वजह से ब्राह्मण से क्या बन गया, अधम गतों की अधम गति में पड़ गया, गिर गया बिल्कुल ब्राह्मण से। तो हमारी क्या बात है, हम कोई ब्राह्मण है? हम वैश्य हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम शूद्र हैं, हम कौन है? हमारे जैसे कर्म है हम वैसे पहचाने जाएंगे ना। लेकिन हमें अपने कर्म से क्या बनना है, भक्त बनना है। हमें अपने कर्मों से क्या बनना है, भक्त बनना है। और भक्त की सही डेफिनेशन है दास, नौकर। जीवरे स्वरूप होरे कृष्णरे नित्य दास। हम सब भगवान के कौन है, दास। दुख की वजह कहां से स्टार्ट होती है कि व्यक्ति अपने आप को भूल जाते हैं कि आई एम सर्वेंट, नो आई एम बॉस, नो सर मैं तो मालिक हूं, तुम मुझे नौकर कह रहे हो, बकवास। उधर ही झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। मारो इसको, इसने हमको नौकर बना दिया। इसलिए हमें यहाँ पे मालिक नहीं बनना चाहिए। कलयुग में सब मालिक, कौन नौकर, कोई नौकर। वो जो धर्म के ठेकेदार है वो भी अपने आप को मालिक बना के बैठे हो। कोई नहीं कहता कि हम भगवान के नौकर। नौकर कब होंगे, खाली बोलने से नहीं, प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। जब भगवान का भजन करेंगे, सेवा करेंगे, भक्तों की संगति करेंगे, भक्तों की संगति से सीखेंगे कि ये सारी बातें जो प्रभुपाद ने बोली कोई ऐसी सुनी सुनाई बातें नहीं थी, बहुत भी प्रैक्टिकल। इसलिए इन सभी बातों पे जरूर सोचो। आखिरी में प्रभुपाद ने क्या बोला, ये बात सोचने वाली है, इसलिए रास्ते में सोचते सोचते घर जाना कि इतना हमारा
खराब सिचुएशन है हमारी लाइफ का, हमारे एनवायरनमेंट का, हमारी सोच में, इसको कैसे बदलना है? संगति से। किससे? संगति से, अच्छी संगति से बदलना है। हरे कृष्ण। जय करंत श्रीमद भागवत महापुराण की जय। कृष्ण प्रभुपाद की जय। सो तो 4 मिनट है अभी 9 बजने में, अभी समाप्त नहीं हुआ, 4 मिनट है। कोई प्रश्न है, कोई सवाल, कोई सजेशन, कोई